नियम 134 के तहत परीक्षा पास किए हुए बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं होने से परेशान काफ़ी सारे अभिभावक आज अपनी फरियाद लेकर महम विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों ने परीक्षा पास कर रखी है, लेकिन रोहतक के जिन स्कूलों को उन्हें अलाट किया गया है वह बड़े बड़े स्कूल हैं, उनके बच्चों को दाखिले नहीं कर रहे हैं और अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अपनी फरियाद लेकर जब यह अभिभावक डीसी रोहतक से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें बाहर से ही भगा दिया जाता है और डीसी साहब गरीब अभिभावकों से मिलने से भी परहेज करते हैं तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी बार बार उन्हें टरका रहे हैं और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अभिभावकों ने बताया कि वह कई दिन से धक्के खाने पर मजबूर हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे में जबकि परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं तो अब उनके अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 134 के तहत दाखिले की उम्मीद में उन्होंने पुराने स्कूलों से भी अपने बच्चों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कटवा लिए हैं। अब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते विधायक ने कहा कि सरकार यदि गरीबों के बच्चों को 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिल नहीं करवा सकती तो मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। मनोहर लाल खट्टर जी बड़े बड़े दावे करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, ये उनकी सच्चाई है या तो वो अनभिज्ञ है, उनके सामने सच्चाई सामने जाती या वो जानबूझ कर आंखें बंद करे बैठे, ये फैसला जो है ना ये इन प्रदेश के लोगों को करना है आने वाले समय। लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं इस गरीब के साथ हूं और मैं कल इनके साथ जाकर इन स्कूल में जाऊंगा और उनको स्कूल के गेट पर धरना देंगे, उनको स्कूल के अंदर बाहर आने से रोकेंगे, इन बच्चों का एडमिशन करना होगा जो इनका हक बनता है। देखिए सत्यपाल मलिक जी, उनकी एक अच्छी छवि है, दबंग है, बड़े बोलते हैं, लेकिन मैं उनके उस वक्तव्य पर ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए मैं काश वो बातें जो कह रहे हैं वो सत्य हों, उसको इम्प्लीमेंट करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा सर, जो भिवानी में जो खलनन हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, इस पर जांच के विषय में कोई नहीं बोल रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं बोल रहा, मैं सबसे पहले विधानसभा में बोला, चंडीगढ़ में बोला था, मेरी वो भी आई है, इसके ऊपर ट्वीट भी आया है और इसके ऊपर मैंने मुखर होकर जो है ना मीडिया के सामने भी रखा है। ये इससे गंभीर कोई विषय नहीं हो सकता और इसकी बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा गबन है, ये बहुत मोटा गबन है। आप पिछले ट्रैक पे मीडिया का ही ट्रायल उठा के देख लो, कितनी बार इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग जिनका पुराना वजूद जाके देखो कुछ नहीं, आज बहुत बड़े रजवाड़े, उन्होंने इतने पैसे अमाउंट खड़े कर लिए हैं, वो सारे वहीं की उस खेल में थे, वहीं इतना बड़ा हुआ।